अपने 2.5 किलो वाले हाथ से मशहूर अभिनेता सनी देओल बॉलीवुड के वो बॉडी बिल्डर है जो अपनी फिटनेस का पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं, जिसके चलते वो कभी बीमार नहीं होते। तभी तो वो अपनी 65 साल की उम्र में भी बिल्कुल हट्टे कट्टे और नौजवान दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन दिनों सनी अमेरिका में ना जाने किस बीमारी का इलाज करा रहे हैं, जिसे लेकर कोई परेशान है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है सनी को और किस चीज का इलाज वो अमेरिका जाकर करवा रहे हैं, ये जानते हैं आज के इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। जी हाँ, यूँ तो बॉलीवुड के दमदार हीरो सनी देओल अपनी फिटनेस का पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं, जो अपने खान पान से लेकर अपने स्वास्थ्य की केयर भी बहुत अच्छे से करते हैं, जिसके चलते हर एक बीमारी खुद उनसे दूर भागती है। लेकिन आज अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने अमेरिका जाकर अपनी बीमारी का इलाज करा रहे। जी हाँ, दरअसल यूँ सनी देओल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान संसद में हुई वोटिंग में मौजूद नहीं थे, जिसके पीछे की वजह अब सामने आ गई है। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपस्थित न होने पर सनी देओल को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। हालांकि अब सनी देओल की तरफ से इस मामले पर बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि वो चुनाव के दौरान अमेरिका में अपनी पीठ का इलाज करा रहे थे। जी हाँ, अपनी बिगड़ती हुई हालात के कारण अभिनेता को भारतीय राष्ट्रपति चुनाव चूकना पड़ा था। बता दें कि वो पंजाब के गुरदासपुर के लोकसभा सांसद भी है, जिसमें वो हमेशा मौजूद तो होते हैं, लेकिन इस बार वो उपस्थित नहीं हो पाए। इसके बारे में सनी ने खुद बताया कि कुछ समय पहले अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, जिसके चलते इन्होंने पहले मुंबई में इलाज कराया, मगर बाद में इन्होंने इलाज के लिए अमेरिका इन्हें जाना पड़ा और वो पिछले 2 हफ्ते से अमेरिका में ही है और अपना इलाज करा रहे हैं। और इसी दौरान राष्ट्रपति चुनाव आ गया, जिसके चलते ये अपने देश में नहीं लौट पाए और इसी वजह से वो चुनाव में शामिल नहीं हो पाए, मगर अब ठीक होते ही वो तुरंत अपने देश वापस लौट आएंगे, ऐसा वादा सनी ने अपने देशवासियों को किया है। वेल दोस्तों, क्या सनी को ऐसा हालात में देख कर आप भी परेशान है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।